भूल जाइए पुरानी बत्तीसी को, बत्तीसी निकालने बैठाने का टेंशन खत्म। अब फिक्स दांतों की बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगाते हैं डॉक्टर दिनेश गुजर। संपर्क करें गुजर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा। सर्वप्रथम सबको जय श्री राम। मैं जय बजरंग सेना मातृ शक्ति संगठन से जिला महामंत्री तन्वी जोशी, हम एसडीएम कार्यालय में यह ज्ञापन देने के लिए प्रस्तुत हुए हैं कि जो नवरात्रि के उपलक्ष्य पे जो आयोजन हो रहे हैं वो किसी प्रकार बड़े नहीं, छोटे छोटे भी, गली मोहल्ले कहीं पे भी आयोजन हो रहे हैं जिसमें थोड़ी सी हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो विलुप्त होते जा रही है। जैसे कि डांडिये से गरबा करना, या फिर जो विधिवत जो उनकी पोशाक होती है वो पहन के माता जी की आरती प्रसाद से लेकर तो आराधना करना, ये संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। और इसके बदले जो पाश्चात्य संस्कृति आ रही है वो कुछ इस प्रकार है कि फैंसी ड्रेस जैसे वेशभूषा धारण करके, जैसे कि वकील का, पुलिस का, डॉक्टर का, या फिर नर्स का, एयर होस्टेस का, इस टाइप के जो कपड़े पहन के और किसी जैसे पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, इस टाइप के कपड़े पहन के गरबा करना, जैसे फिल्मी गानों पर गरबा करना और कुछ नशीले पदार्थ सेवन करके गरबा करना, तो इत्यादि हम यह चाहते हैं, जो ये एक रिक्वेस्ट लेकर आए हैं कि इस चीज़ों को रोक लगाई जाए और सभी समितियों की बैठक बुलाकर उन्हें यह निर्देश दिया जाए कि इस प्रकार से जो आप गतिविधि करवा रहे हैं वो हम उसके विरुद्ध हैं और इस प्रकार से ना कराएं और जितना हो सकता है भारतीय संस्कृति का समावेश करें। मैं तन्वी जोशी मातृ शक्ति संगठन से जिला महामंत्री जय बजरंग सेना। जी बताइए। जय श्री राम। मैं मनीष परदेसी, खंडवा जिला अध्यक्ष जय बजरंग सेना से। आज हम एसडीएम कार्यालय एक विषय को लेके जो महत्वपूर्ण है, नवरात्रि, जैसे आपको ज्ञात है नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि में बड़े आयोजकों द्वारा जो गरबा का आयोजन किया जाता है उस विषय को लेकर हम एसडीएम महोदय से मिले और उन्हें एक ज्ञापन दिया है कि जो भी आयोजन करवाता है नवरात्र में, तो उसका पूरा ध्यान रखते हुए कि महिलाएं अपनी पूरी पारंपरिक वेशभूषा में आए और जो फिल्मी गाने बजते हैं इसका पूर्ण तरीके से रोक लगाया जाए। कुछ अधर्मी लोग जो गलती से किसी भी प्रकार से अंदर घुसते हैं इस पर रोक लगाया जाए, और जितने भी आयोजन करता है एंट्री जो होती है उसमें सभी के आधार कार्ड के द्वारा ही एंट्री दी जाए, इसके अलावा किसी को भी एंट्री ना दी जाए, और मर्यादा में रहकर आयोजनकर्ता अपने आयोजन को पूर्ण करें ताकि किसी भी प्रकार का विरोध या गलत मैसेज पूरे खंडवा शहर के अलावा पूरे देश में ना जाए, इसका वो विशेष ध्यान रखे। अन्यथा अगर इस प्रकार से कोई भी गतिविधियां होती है गलत तो उसका हम विरोध करेंगे और वहां जाकर उन आयोजनकर्ताओं के आयोजन पर रोक लगाए जाएंगे। और एसडीएम महोदय से हमने निवेदन करा है कि अगर वो इस तरीके से गतिविधियों में गलत पाए जाते हैं तो आइंदा आगे चल के ऐसे आयोजनकर्ताओं को परमिशन ना दे। और मेरा एक निवेदन खंडवा की सभी जनताओं से, आयोजकों से, और जो भी माता जी के पांडाल लगाते हैं उन लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग जो माता जी की स्थापना करते हैं और बालिकाओं के गरबे करवाते हैं वहाँ सभी लोग पूर्ण रूप से अपने माथे पे तिलक लगाए, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, ताकि उससे एक अच्छा संदेश और एक संस्कृति जो हमारी चली आ रही है तिलक लगाने की वो हमेशा बनी रहे। मैं मनीष परदेसी जय बजरंग सेना से, जिला अध्यक्ष खंडवा, और मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब जो हमारे संगठन संरक्षक है कौशल व्यास जी, और हमारे जिला अध्यक्ष जी गोरक्षा प्रमोद मौर्य जी, और मेरे समस्त पदाधिकारीगण आज इस ज्ञापन को देने के लिए आए हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जी हाँ, अब दांतों की बत्तीसी की समस्या से पाएं निजात, बार बार बत्तीसी निकालने और बैठाने की झंझट से पाइए मुक्ति। अब फिक्स बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगवाएं अपने ही शहर खंडवा में। जब डॉक्टर दिनेश गुजर हैं तो टेंशन किस बात की। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गुजर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा।